तो भाई जब भी हमें अपनी कंपनी में ग्रोथ चाहिए होती है वो पांच तरीके से आती है। वो पांच तरीके ग्रोथ के क्या क्या है भाई? हमारे ग्रोथ का सबसे पहला जो तरीका है वो तरीका ये है कि भाई मार्केटिंग पे काम कर लें। मार्केटिंग में काम करने का क्या मतलब? मार्केटिंग में काम करने का मतलब है लीकेज खत्म करना। लीकेज खत्म करने का क्या मतलब है? इसी चीज पे मैं पूरा पूरा सेशन बिताऊंगा और आपको बिताऊंगा सिर्फ आप इस स्टेप से कैसे अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, राइट? उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है कि भाई अपने लीड्स बढ़ा दो, यानी कि अपनी कंपनी में जितनी भी इंक्वायरी आती है उन्हें किसी तरीके से बढ़ा दो तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ आ जाएगी। ये एक तरकीब है। दूसरी तरकीब यह है सेल्स सिस्टम पे काम करने की, जिसमें सेल्स के कन्वर्जन बढ़ा दो। सेल्स में कन्वर्जन बढ़ाने का क्या मतलब है? मान लीजिए आज आपके पास 100 लोग आते हैं, 100 में से सिर्फ 10 कस्टमर बनते हैं, तो आपने क्या करा? अपने सेल्स पे फोकस करा और किसी तरीके से इस नंबर को 20 कर दिया, तो क्या हो गया? आपकी कंपनी डबल हो गई। तो आपने मार्केटिंग में कोई खर्चा नहीं किया, सिर्फ अपनी सेल्स पे फोकस करके सेल्स का सिस्टम सही से बैठा के आपने उसको डबल कर दिया, यानी कि सेल्स के कन्वर्जन पे काम कर लिया। थर्ड लेवल पे एवरेज सेल्स की वैल्यू बढ़ा दें। एवरेज सेल्स की वैल्यू बढ़ाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई आज मैं अपने एक कस्टमर से 100 रुपए कमाता हूं, किसी तरीके से मैं चीजों को इस तरीके से पैकेज करूं या क्रॉस सेल करूं या अपसेल करूं जिससे मैं प्रति कस्टमर 100 से 150 रुपए कमाने लगूं। जब मैं प्रति कस्टमर 100 से 150 रुपए कमाने लगूंगा तो भाई मैं ऑटोमेटिकली 50% मेरी ग्रोथ आ जाएगी। तो ये मेरे सेल्स का सिस्टम होता है, तो ये तीसरी चीज। उसके बाद क्या होता है? मैं इतनी अच्छी डिलीवरी दूं कि मैं रिपीट पे काम कर लूं, कि मेरे जो कस्टमर आ गए एक बार जो मेरा कस्टमर बन गया उसके बाद वो मुझे छोड़ नहीं सकता, मैं उसे जाने नहीं दूंगा एक बार वो मेरा कस्टमर बन गया। इसका सिस्टम बैठाना, रिपीट का सिस्टम बैठाना, ताकि हम अपने कस्टमर को जाने नहीं दे रहे, क्योंकि एक कस्टमर को एक्वायर करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहां पर हमें रिपीट का सिस्टम बैठाना पड़ेगा। और उसके बाद रेफरल, यानी कि अगर मेरा कस्टमर मुझसे खुश है तो भाई वो मुझे रेफर भी करना चाहिए और वो और लोगों को बताना चाहिए। ये वाली चीज हासिल करने के लिए हमें थोड़ा सा पीपल मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट पे काम करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कस्टमर का प्रॉमिस फुलफिल कर रहे हो। अगर कस्टमर हमसे खुश है तो वो रिपीट भी करेगा और रेफर भी करेगा। तो हमारे पास ये 5 स्टेप होते हैं आगे बढ़ने के। मार्केटिंग का सिस्टम, सेल्स का सिस्टम, पीपल का सिस्टम जिसमें मॉनिटरिंग सिस्टम होता, मैनेजमेंट सिस्टम होता और पीपल सिस्टम होता। मैं आज जो कवर करूंगा ये आपको जो रेड बॉक्स में दिख रहा है, और उसमें भी रेड बॉक्स में मैं जो चीज कवर करने वाला हूं वो है लीड लीकेज। और आपको आज बहुत सारी चीजें सोचवाने वाला हूं। ये पोर्शन है जो आज मैं कवर करूंगा लीड लीकेज का। मैं आपको सिर्फ एक स्टेप से, इस 5 स्टेप के सिस्टम से बता दूंगा कि आपके पास कैसे भूता है कंपनी को डबल कर लेने का, अगर आप ये वाली चीज सही से करें तो। तो मेरे साथ ये वाली चीज देखिए, लीकेज का क्या मतलब होता है? लीकेज का मतलब होता है, आप समझ लीजिए एक बाल्टी समझ लीजिए। बाल्टी में क्या हो रहा है? आप बाल्टी में पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं तो ऊपर से पानी आ रहा है, लेकिन आपकी बाल्टी क्या करती है? उसमें छेद है। तो बाल्टी में जो छेद है उससे क्या होता है? आप पानी भरते तो हैं लेकिन छेद से क्या होता है? पानी नीचे चला जाता है, ठीक है? तो वो उसे कहते हैं लीकेज। बाल्टी का चूना जैसे छत पे छेद हो जाता है तो पानी आने लगता है, तो लीड की लीकेज क्या होती है? इसका मतलब आप अपने बिजनेस में लीड्स ला रहे हैं लेकिन कुछ ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, बाकी जो लीड्स हैं वो नाली में बह जा रही हैं। तो इस वाली चीज को थोड़ी डिटेल में समझते हैं। तो इस चीज को समझते हैं, सबसे पहले मैं जो आपका ध्यान है वो इस बॉक्स पे लेके जाना चाहूंगा, ये लीड्स वाले बॉक्स पे। इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, ये वो लोग हैं जो आपके बिजनेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। कैलकुलेशन की सुविधा के लिए मैंने इस नंबर को सिर्फ 100 मान लिया है। मान लीजिए आपके डेली के कस्टमर या महीने के कस्टमर, चलिए मान लेते हैं डेली के कस्टमर 100 है, आसानी के लिए ये आपका 100 नंबर है। 100 आपके पास कस्टमर नहीं, सॉरी लीड्स आती हैं, इंक्वायरी आती है। वो क्या करती हैं? आपके बिजनेस से इंटरेक्ट करती हैं, आपके सेल्स वाला या आप मिलके इन लोगों से बात करते हैं और इन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं, इन्हें आप अपना कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप इन लोगों को चाहते हैं कि ये लोग आपके कस्टमर बन जाए। तो ऐसा होता होगा, मैं अजम्पशन के लिए मान लो ताकि आसानी हो जाए, ये 100 लोग जो आए उसमें से आज मेरे 10 ही कस्टमर बनते हैं। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे सोचने पे मजबूर कर रहा हूं, और वो है ये, आपके पास तो 100 लोग आए थे
बाकी के 90 का क्या हुआ, ये आप लोग सोचते हैं क्या? ये बाकी के 90 कहां गए, इनका क्या हुआ? हम लोग इन पे ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि जब 100 लोग मुझसे मेरे चीज पूछते हुए आए तो 10 ही आए, बाकी के 90 मेरे पास नहीं गए तो कहीं तो गए होंगे। वो मेरे कन्वर्ट क्यों नहीं हुए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, ये एक क्वेश्चन है मेरे लिए, बहुत ही बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन। क्या ये बाकी के 90 का क्या हुआ, मुझे ये बताओ। ये तो 10 आपने कस्टमर बनवा लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ बाकी के 90 का क्या हुआ? इन्होंने आपसे क्यों नहीं खरीदा सामान, क्या वजह है ये आपसे खरीद के नहीं गए? आपसे नहीं खरीदा तो किसी और से खरीद लिया होगा, तो आपका तो बैठे बैठे नुकसान हो गया। तो मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं इन 90 लोगों पे, राइट? और आपको ये पूछना चाहता हूं कि यहां पे हम ध्यान क्यों नहीं देते, इस चीज पे आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं कि हम इन 90 लोगों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें से क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन जिसे मैं कवर करूंगा। हम क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पे, क्यों नहीं दे पाते हम ध्यान? क्योंकि देखिए 10 ही लोग हमारे पास आ रहे हैं, बाकी के 90 मतलब इतना बड़ा जो लीकेज है वो हमारी बाल्टी में कस्टमर आया और बह गया और मुझे पता भी नहीं चला, ये कितनी अजीब बात है। तो इसी चीज पे आपका ध्यान लेके जाता हूं। तो अब फंडामेंटल क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम ध्यान क्यों नहीं देते। दो तरीके के जवाब हो सकते हैं इस वाली बात के कि हम ध्यान क्यों नहीं देते। एक तो हमारे पास मार्केटिंग सिस्टम ही नहीं है। मार्केटिंग सिस्टम मतलब वो मशीन जो मेरे सारे कस्टमर जो मेरी बाल्टी में गिर रहे हैं इन्हें पकड़ ले। और आप लोगों ने देखा है मक्खन कैसे पिसता है, मक्खन कैसे बनता है, उसे फेटा जाता है, जब उसे बहुत ज्यादा फेटते हैं तब वो जाके मक्खन बनता है। यानी कि मेरे पास वो सिस्टम ही नहीं है ताकि मैं अपनी बाल्टी में छेद खत्म कर सकूं और जितने लोग आ रहे हैं उन्हें सही से अपने पास रख सकूं ताकि कोई भी बहे ना। और अगर कोई आदमी अगर बह के निकल रहा है तो मुझे पता होना चाहिए क्यों बह रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, ये हो सकता है दूसरा, कई हमारे कस्टमर होते हैं जो कहते हैं कि भाई सर हमारे पास मार्केटिंग का तो सिस्टम है। बिल्कुल होता है, लेकिन देखिए ये वो वाली बात है कि गाड़ी तो मेरे पास है लेकिन पंचर टायर पे चल रही है तो भी काम नहीं होगा। यानी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सिस्टम होता है लेकिन क्या होता है वहां पे फॉलो नहीं होता है सिस्टम सही से। ये वो वाली बात है, आपने सिस्टम ले लिया और लेके शोकेस में रख दिया और उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्या फायदा? तो ये जो हमारी लीकेज होती है ये इस वजह से होती है क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं होता, मार्केटिंग का सिस्टम नहीं होता है, और उसकी वजह से हमारी बहुत सारी लीड्स क्या होती हैं, बह जाती हैं, और उसकी वजह से हमें रोज के लेवल पे नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि वो लेने तो आए थे, हमसे नहीं लेंगे तो किसी और से लेंगे। तो अब मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं मार्केटिंग सिस्टम पे कि आप मुझसे पूछेंगे सर आपने मुझे ये तो बता दिया, बताओ मार्केटिंग सिस्टम में होता क्या है। देखिए जो भी एक मार्केटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर ये तीन चीजें होनी चाहिए। लीड स्टोरेज, यानी कि मेरे पास जितनी लीड्स आ रही हैं वो मेरे पास स्टोर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आज खरीद ले, लेकिन मेरे पास रहना चाहिए वो। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो बाद में खरीदेगा, राइट? लेकिन वो आएगा क्योंकि उसकी जरूरत थी। अगर उसने किसी और से नहीं लिया, आज अगर वो रेडी नहीं था तो वो क्या करेगा, आएगा। इसके लिए मैंने YouTube पे एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे हम लोग को लीड की नर्चरिंग करनी चाहिए, वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो हमें क्या करना होता, किसी भी मार्केटिंग सिस्टम में हमें ये इंश्योर करना होता, ये देखना होता कि हमारे पास जितनी लीड्स आ रही हैं वो सारी स्टोर हो रही है। एक बार जब लीड्स स्टोर हो जाती हैं फिर हमें क्या करना होता है, ये इंश्योर करना होता है, ये पता लगाऊं कौन कौन सी लीड हैं जो मेरे काम की थी, जिसे हम कहते हैं लीड क्वालिफिकेशन, क्योंकि हर आदमी आपका कस्टमर नहीं है। यानी कि हमारे पास मार्केटिंग सिस्टम है लीड क्वालिफिकेशन का सिस्टम होना चाहिए। एक बार जब हमने लीड क्वालिफाई कर ली उसके बाद हमारे पास सिस्टम होना चाहिए उस लीड को हैंडल करने का, नर्चर करने का। क्योंकि 33% लोग जो होते हैं
वो उसी दिन सामान खरीदने के लिए रेडी नहीं होते हैं, वो खरीदते थोड़े टाइम बाद, उनका इंटरेस्ट होता है लेकिन वो उस दिन नहीं खरीदते हैं। तो आपको ये करना होता, वो जिस दिन खरीदे उस दिन आप उनकी नजर में होने चाहिए। ये वाला जो नंबर है ये 33% के करीब होता है, जो उस दिन नहीं खरीदते लेकिन बाद में खरीदते हैं। हम इस वाले नंबर पे तो नजर ही नहीं डालते, क्यों? क्योंकि ये तो बह गया, इस लीड की हमारी लीकेज हो गई। जब लीड की लीकेज हो गई तो कैसे बढ़ेगा वो आदमी? तो हमारे पास इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है इस वाली चीज के लिए। अब फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि चलो भाई ये वाली बात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा? आपको मैं बताता हूं, अगर हम ये वाला मार्केटिंग सिस्टम नहीं लेते हैं तो ना हमारा डेली लेवल पे नुकसान होता है, और जितना आप पैसा कमा रहे हैं उतना ही नुकसान मान लीजिए। मैं आपको बताता हूं, जब इंक्वायरी आपके पास आई तो वो खरीदने तो आई होगी, आपसे नहीं तो किसी और से लेगी। तो ये जो 90 का नंबर है जो हमने बनाया था वहां पे शुरुआत में, जो 90% हमारी लीकेज होती है, ये वाला जो नंबर है लीकेज का, ये कौन खा गया? आपने अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये कंपटीशन खा गया, और कंपटीशन खा के उसने क्या करा, एक आदमी जो होता है वो रिपीट भी करता है और रेफर भी करता है। तो अगर आपने किसी आदमी को अपना कस्टमर बनाने का मौका छोड़ दिया तो वो आप उसकी रिपीट सेल से भी गए और उसकी रेफरल सेल से भी गए। मान लो आपका एक बिजनेस है जिसमें जो कस्टमर है वो हर महीने रिपीट करता है, मान लेते हैं सलून वाले का बिजनेस है, एक ब्यूटी पार्लर वाले का बिजनेस है जिसमें कस्टमर आता है, वो 1,000-1,500 का काम कराता है, लेकिन वो महीने दर महीने आता है। और अगर वो पूरे साल आया तो आपने उससे तकरीबन 12,000 + 12,560, 6,000, 18,000 का काम उन्हें आपने उससे साल में लिया। अगर आपने वो एक कस्टमर छोड़ दिया तो आपका 18,000 का लॉस है पूरे साल का। तो भले ही आप ध्यान ना दो लेकिन आपका डेली लेवल पे इस पे नुकसान हो रहा है, अगर आप ये 90% को कैप्चर नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि वो आपके पास नहीं जा रहा तो किसी और के पास जा रहा है। ये आपका डेली का नुकसान है, किस चीज का? सिर्फ पैसे की वजह से नहीं हो रहा ये आपको नुकसान कि आपके पास पैसे की कमी है, ये वाला जो नुकसान हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है। जो कंपटीशन जीता है उसके पास सिस्टम है और वो ये वाला काम कर रहा है, इसीलिए वो ये वाला काम कर पा रहा है। शायद जो लोग ये वाला काम 90% छोड़ रहे हैं वो इसलिए नहीं कर पा रहे। तो अब ये वाली चीज समझ में आ गई, तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई क्या हो सकता है इस वाली चीज से? तो देख लेते हैं इस वाली चीज का पोटेंशियल क्या है। और जो मैंने अब आपको शुरू में क्लेम किया था उसी क्लेम की तरफ मैं वापस आ रहा हूं और आपको बताने वाला हूं कि ये वाली चीज कैसे होती है। हमने ये वाली चीज इस सिनेरियो के साथ शुरू करी थी कि हमारी जो 100 लीड्स होती हैं, 100 लीड में हमारी 10 कस्टमर बनते हैं, 90 नाली में बह जाती हैं, बाल्टी से गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग का सिस्टम नहीं है। तो अब ये वाली बात करते हैं कि मार्केटिंग सिस्टम से क्या होगा। देखिए फिर से आपके थ्रू ये सीन लेके जाता हूं, अपना ध्यान लेके आइए यहां पे। ये है आपकी लीड्स, लीड्स थी 100 आपके बिजनेस में। अब मार्केटिंग का सिस्टम लग गया, मान लीजिए अब आपके पास मार्केटिंग का सिस्टम लग गया। अगर आपके पास लग गया तो भैया 10 तो पहले कस्टमर बनते थे, वो 10 तो हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, अगर आपके पास सिस्टम लग गया और आप इस सिस्टम से इस चीज पर फोकस करना शुरू कर दें, ये 90 जो आपके पास आए थे लेकिन आपने इन पे ध्यान नहीं दिया, ये 90 इसमें से आप 10 तो कन्वर्ट कर सकते हो अगर खराब से खराब काम कर लो तो। कि भाई अगर खराब से खराब भी मैंने काम किया तो 10 को तो मैं अग्री कर लूंगा इस 90 में से। भाई 90 में से 10 तो लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप देखिए अभी आपके 10 कस्टमर होते थे, इन वाले 90 में से आपके 10 और निकल गए। ये मैं तो खराब से खराब सिनेरियो बता रहा हूं आपको कि यार ध्यान भी इस पे ले जाओगे ढंग से तो ही बिजनेस डबल हो जाएगा। अब मेरा आपके सामने क्वेश्चन ये है कि इस चीज में क्या खर्चा हुआ? जीरो खर्चा हुआ, कोई खर्चा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने तो अपने सिस्टम लगाया। सिस्टम बनाना कोई कठिन काम थोड़ी नहीं है भाई। अगर आप सही से ट्रैकिंग करना शुरू कर दें कि कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने मेरे कस्टमर बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे, वो क्यों नहीं बन रहे हैं, राइट, और उस पर काम करना शुरू करें, तो ये 10 का नंबर तो मैंने आपको बहुत निराशावादी नंबर बताया है। आप इसे आराम से 25 से 30 कर सकते हैं।
क्योंकि ये बात सोचिए, आपके बिजनेस में रिपीट आता है, आपके बिजनेस में रेफरल आता है, आपके बिजनेस में रिपीट और रेफरल आता है, इसका मतलब आप अच्छी सर्विस दे रहे होंगे अपने कस्टमर को। जब आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो वो शुरुआत में क्यों नहीं कन्वर्ट होगा अगर आप उसे नहीं करेंगे तो। ये वाला जो सिस्टम होता है ये आपके लिए क्या करता है, जो मैंने आपको बताया, मैं आपके लिए यहाँ पे फिर से बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये है आपकी बाल्टी, इस बाल्टी में आपका पानी आता था यहाँ पे, राइट, ये आपके कस्टमर है। लेकिन क्या था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा छेद था, ये छेद होने से आपका 90%, ये छेद होने से आपका 90% जो होता है वो बह जाता है। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, ये मार्केटिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे क्या लगा देगा, सील लगा देगा। तो ये जो आपके शुरू में 10 बनते थे, अगर बुरे से बुरा सीन होगा तो क्या होगा, ये 10 के 10 और बन जाएंगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा और कॉस्ट जीरो। तो अगर आप अपना बिजनेस डबल नहीं कर रहे हैं और आप इस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो देखिए बहुत सारे हमारे बिजनेस के भाई लोग हैं जो आके मुझसे कहते हैं, सर मेरे पास फंड्स की कमी है, सर मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे की जरूरत नहीं है आपको दोगुना बिजनेस करने के लिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं अपनी गाड़ी जो फ्लैट टायर पे चल रही है जिसमें पंचर है उसमें नया टायर लगाइए, मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ इसका पंचर सही कर लीजिए, 2 से 3 गुना तो आप कुछ नहीं करेंगे, कहीं नहीं, आपकी ग्रोथ नहीं गई। और ये क्या है, ये आपका सिस्टम है, आप सिर्फ ये वाली चीज सिस्टम से कवर कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम से ये वाला काम करेंगे तो ये वाली ग्रोथ आएगी, क्यों, क्योंकि ये ढंग से काम करने का तरीका है और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, एक पैसा नहीं लगेगा आपको। इस तरीके का जो सिस्टम है वो बनाना कोई बहुत कठिन बात नहीं होती, जीरो कॉस्ट में ये वाली चीज हो जाएगी। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाए, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज्ड प्रोग्राम है।
या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे CA, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। So, इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रेटजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।